हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आनंद एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ओवरहेड पास। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जैसे उनकी ये प्रॉब्लम थी कि जब सर्विस तेज़ आती है तो फिंगर कैसे लें और ओवरहेड पास के ऊपर वीडियो बनाओ। तो अगर आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि अगर आपको बॉल कैसे लेनी है, अगर आप फिंगर कैसे लोगे, अगर तेज़ सर्विस आती है, ऐसी कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम है, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको इस वीडियो में इसकी टेक्निक्स, इसकी ड्रिल्स और इसको कैसे अच्छा किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन दबा दो। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये है क्या। जब आपके पास सर्विस बहुत ही तेज़ आती है, जब आप इन कोर्ट होते हो तब सर्विस क्या होता है, आपके पास बहुत ही तेज़ आती है और फिर आप फिंगर्स आपकी खुलती नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको अंडर हैंड लेना है कि फिंगर। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हो। तो सबसे जो मेन पॉइंट है, जो इसको कहते हैं मेन पॉइंट, तो आपको अपनी जो बॉडी है उसको हरदम लो करके रखना है। बॉडी, अगर आपकी बॉडी लो होएगी तो इससे क्या होगा, बॉल को जल्दी ही कैच कर लोगे। अगर बॉडी स्ट्रेट है तो आपको थोड़ा बॉल को कैच करने में दिक्कत होगी, अगर बॉल डिप आ रही है तो। आपको अपनी सबसे पहला मेन पॉइंट है बॉडी को लो, मतलब मीडियम पोस्चर में रखना है इसको, कुछ ऐसे आपकी बॉडी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। सेकंड आपको अपने जो फुटवर्क है, जैसे बॉल आपके पास आई, अब हो सकता है लेफ्ट आए, राइट आए, आगे आए, पीछे आए, तो आपको उसी बेस पे अपने फुटवर्क जैसे लेफ्ट राइट देन लेफ्ट आगे बैक, आपकी जिस भी डायरेक्शन में बॉल आ रही है आपको अपना फुटवर्क उस तरफ ले जाना विद हैंड। आपको इसी बॉडी पोस्चर के साथ लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो फर्स्ट आपको अपना बॉडी पोस्चर लो रखना है मीडियम, सेकंड आपको अपना जो फुटवर्क है, लेफ्ट बॉल आई तो लेफ्ट, राइट आई तो राइट, देन जैसा आपकी बॉडी मीडियम, फिर आपका फुटवर्क, देन इसको टारगेट पे, टारगेट आपका जो भी टारगेट हो, आपका सेटर है या आप किसी के पास इसको थ्रो कर रहे हैं, तो आपको ये बॉल उस टारगेट के ऊपर फेंक देनी है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने हाथों को बहुत ही टाइट रखना, क्योंकि सर्विस जो होती है आपकी बहुत ही तेज़ आती है, तो आपके हाथ, जो आपके दोनों हाथ रहेंगे, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, शोल्डर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो होगा क्या कि बॉल आएगी और हाथ से लगेगी और निकल जाएगी। तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा टाइट रखना है, अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइट रखना है और बॉल आते सीधे अप। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जिस पर आपको खास कर ध्यान रखना है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक में बताऊंगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको टेक्निक सारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपका जो इस टेक्निक में फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा मीडियम पोस्चर। आपको जो अपना बॉडी का पोस्चर रखना है वो मीडियम रखना है। सेकेंड स्टेप कि आपको अपनी बॉडी को मीडियम पोस्चर में लेफ्ट या राइट बैक फ्रंट, आपके जिस साइड बोला उस तरफ आगे बॉडी को ले जाना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका ये है कि जैसे भी आपके पास बॉल आती है तो अपने हाथों को टाइट रखना है और उसको ऊपर की तरफ फेंकना है बॉल को। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपका यह है कि आपके जो बॉल है, आपका सेटर है कोई भी है, उसके हाथों में बॉल जानी चाहिए, मतलब उसके हेड्स के ऊपर बॉल जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है ड्रिल, कि आप इससे अपनी
ओवरहेड पास को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ड्रिल, अगर आपके घर में कोई अगर पार्क हो या कोई खाली जगह हो वहाँ भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रिल आपके कि आपको आपको विदाउट बॉल अपने मोशन पे, मतलब आपकी जो ओवरहेड वाली ड्रिल है उसको स्टेप बाय स्टेप राइट लेफ्ट आगे पीछे करके करना है। सेकंड ड्रिल में आपको कोई अपना फ्रेंड हो दोस्त हो उसको अपने साथ लेना है, उसके साथ वो बॉल फेंकेगा थ्रो करेगा और आपको बॉल ऊपर की तरफ भेजना अपने हाथों को टाइट रख के। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको कोई भी जो आपका फ्रेंड से बॉल को फेंकना है और आपको उस बॉल को पकड़ना है, मतलब आप जैसे किसी भी पॉइंट मतलब किसी भी पोजीशन पर खड़े हो आपके पास वो बॉल फेंकेगा और आपके मतलब आपके लेफ्ट राइट आपके वो बॉल कहीं थ्रो करेगा, बस आपको चलना है उस बॉल को पकड़ना है। नेक्स्ट आपको जो फोर्थ पॉइंट है इसमें आप मैच में सर्विस करवाते हैं तो इससे आप बॉल को ऊपर फेंक सकते हैं, मतलब ओवरहेड पास का यूज़ करके। तो अभी मेरे पास कोर्ट अवेलेबल नहीं है और मैं वैसे भी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो मैं भी खेलने भी नहीं जा रहा, तो मैं इस फोर्थ पॉइंट को आपको सूट करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी कोर्ट में नहीं हूँ। तो आप अपने किसी भी दोस्त को जब वो सर्विस कराता है इन कोर्ट जब आप वॉलीबॉल खेलते हो तो आप वहाँ इस चीज़ को मीडियम पोस्टर होकर आप ओवरहेड पास को यूज़ इस टेक्निक को यूज़ करके ओवरहेड पास ले सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है आनंद भारद्वाज 5 करके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।